हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ब्लड्स के बारे में तमाम डिटेल स्टडी देख लिए, ब्लड किस टाइप का उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में होगा उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे द टॉपिक इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होगा, क्या क्या चीज इसके अंदर में इंक्लूड रहेगा, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज है, तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, उसके बाद फिर आर्टरीज, उसके बाद वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, ये पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करेगा ऑर्गन, और बाकी आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज एक चैनल की तरह बिहेव करेगा जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं हार्ट के बारे में, डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। हार्ट, अब हम लोग जानते क्या है, नॉर्मली अगर किसी आदमी से पूछा जाए या आप ही से पूछ दिया जाए कि भाई दिल किधर है, तो लेफ्ट तरफ आपका हाथ जाएगा। ठीक है, बट ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं रहता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, जब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं रहता है तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये सेंटर में, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पीछे से और आगे से, जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ रिब केस जो बनाता है, तो वो जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है उसी के सेंटर में नीचे बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। तो दिस हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब ये दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है और कहाँ पर है, डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स एंड एबव द डायफ्राम। ठीक है, लेकिन क्या बात बोल रहे हैं कि हम लोग को हार्ट बीट तो लेफ्ट साइड में सुनाई देता है, तो हम लोग इसलिए लेफ्ट साइड में सुनाई देता है कि इसका हार्ट, अगर हम रफली बनाए डायग्राम, तो इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो इसका पॉइंटेड एंड है, यानी जो नैरो एंड ऑफ द हार्ट रहता है, वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट रहता है, और इसी के कारण हम लोग का जो साउंड है, हार्ट साउंड है, वो लेफ्ट साइड में सुनाई देता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द नैरो एंड ऑफ ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर लिख सकते हैं, रफली ट्रायंगुलर हार्ट इज पॉइंटेड टू द लेफ्ट साइड, और इसी के कारण हमारा क्या है, हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट साइड में सुनाई देता है। अब इस हार्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, पूरे बॉडी में ये ब्लड का सर्कुलेशन करेगा, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो दिस हार्ट इज प्रोटेक्टेड, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो दिस हार्ट is protected, this heart is protected by, क्या बोल रहे हैं, by a double walled membranous covering called pericardium। ठीक है, अब जैसे यहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज, पेरी मतलब अराउंड, कार्डियम कार्डिया टर्म हम लोग यूज करते हैं हार्ट के लिए। तो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेरिकार्डियम बोल देंगे। और क्या बोल रहे हैं, दिस इज डबल वॉल्ड, तो जैसे ये एक वॉल्ड है और ये एक वॉल्ड है, ये इनर वॉल्ड हो जाएगा, ये आउटर वॉल्ड हो जाएगा, तो इसके बीच के स्पेस में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, फ्लूइड। अब इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तो चूंकि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है,
इसलिए इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो सिंपली बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज कि दिस मेम्ब्रेन या दिस कवर कंटेंस ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या होगा, तो देखिए जाहिर सी बात है, तो एक तो सबसे पहले काम क्या करेगा कि ये फ्रिक्शन से बचाने का काम करेगा। फ्लूइड है, तरल चीज है, तो फ्लूइड है तो कोई भी फ्रिक्शन जो होगा तो वहां पर उसको नलिफाई जीरो करने की कोशिश करेगा, यानी फ्रिक्शन लेस बनाने की काम करेगा। जैसे हम लोग गाड़ी में चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो बीच बीच में ऑयल्स डालते रहते हैं बीच में, किस लिए? लुब्रिकेशन के लिए। तो लुब्रिकेशन किस लिए? तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। तो पहला काम पेरिकार्डियल फ्लूइड्स का यही है कि दिस विल रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट। ठीक है, अब दूसरा काम क्या हो सकता है? तो दूसरा काम ये हो सकता है कि अब अगर इधर से, अगर सामने से कोई आपको अटैक करे, घूंसा मारे सीने पर, तो क्या करते हैं? सबसे पहला प्रोटेक्शन तो हमारा रिब्स कर लेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट अंदर की तरफ जाएगा। अब अंदर की तरफ जाएगा तो इसका जो आउटर कवरिंग रहेगा वो प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके अंदर में अगर ये डायरेक्ट अटैच रहता है किसी धागे से या किसी मसल से अटैच रहता, तो उसका इम्पैक्ट इनर वाले मेम्ब्रेन के पास पड़ता, लेकिन चूंकि ये फ्लूइड है तो जैसे ही इस पर इम्पैक्ट पड़ा, ये फ्लूइड डिस्पर्स कर देगा प्रेशर को, और वो क्या कर देगा? प्रोटेक्ट कर देगा हार्ट को, क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरा काम क्या हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड्स का, कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हार्ट का ऊपर कवरिंग देती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें चैम्बर्स कितना प्रेजेंट रहेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग का जो हार्ट है, यानी बर्ड्स से छोड़ दीजिए तो हम लोग को, फिर उसके बाद फिर रेप्टाइल्स जो हो गया, या फिर हम लोग की बात है, रेप्टाइल्स में भी 3.5 चैम्बर रहता है। एक्सेप्शनली केस में अगर हम लोग बात करें तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट रहता है। अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट है, उसके बाद एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट हुआ, रेप्टाइल्स में 3.5 हुआ, और हम लोग मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट हुआ। तो हम लोग अगर चैम्बर्स की बात करते हैं, कितना चैम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन हार्ट। तो सिंपली हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ या कंटेंस कितना? 4 चैम्बर, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ठीक है, अब इस 4 चैम्बर में क्या है? 2 ऑरिकल्स है, 2 ऑरिकल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एट्रिया बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट रहेगा, 2 वेंट्रिकल। बोलिएगा सर समझ में नहीं आएगा, नहीं आया कैसे दिखाइएगा? तो हम सिंपल फॉर्म में हार्ट का डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं बॉक्स में। आप लोग ऐसा नहीं बनाइएगा, आप लोग जो बुक में जाए, जो डायग्राम दिया हुआ है उसी डायग्राम बनाइएगा। ये हम सिर्फ सिंपल समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 4 चैम्बर हार्ट रहता है, लीजिए भाई 4 चैम्बर हार्ट बना दिए, ठीक है। ये ऊपर हो गया ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल, ये भी ऑरिकल हो गया। अब इसको इमेजिन करिए, ये ऑरिकल्स को और इस ऑरिकल्स को एक ही नाम तो नहीं देंगे। आपके सामने इमेजिन करिए, आपके सामने एक पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, या आदमी कोई खड़ा है, तो उसका राइट आपका लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। तो यानी आपका राइट, ये आपका राइट है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ये आपका लेफ्ट है तो सामने वाले पेशेंट का क्या होगा? राइट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑरिकल्स और ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल्स। ठीक इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल, तो ये भी हो गया राइट वेंट्रिकल्स हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात कर लिए, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स की बात की। पहले ऑरिकल्स की बात कर लेते हैं। ऑरिकल्स का काम क्या है? ऑरिकल्स का काम है ब्लड को रिसीव करना। रिसीव कहाँ से करेगा? तो ये रिसीव करेगा आपका बॉडी से रिसीव करेगा, और फिर इधर लेफ्ट जो ऑरिकल्स है ये लंग्स से रिसीव करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसके बारे में भी और डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझाना है। तो क्या आप कर रहे हैं कि ये जो ऑरिकल्स है, राइट ऑरिकल्स है, वो ब्लड कहाँ से? बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को रिसीव करेगा। लेफ्ट ऑरिकल्स है, ये कहाँ से रिसीव करेगा? ये रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो वो लंग्स से आ रहा है। तो रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे किसके थ्रू इसके पास आ रहा है, वो हम आगे बात करेंगे, जब वेसल्स की बात करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इसको भेजना कहाँ है ब्लड को? तो सिंपली भेज देना वेंट्रिकल्स में भेजना है। तो जब वेंट्रिकल्स में भेजना है तो इसका जो वॉल रहेगा, ये जो वॉल है ये ज्यादा मोटा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा इसको प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो दो ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स और राइट ऑरिकल्स के बीच में ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दो ऑरिकल्स के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। क्लियर है बात? तो ये कैसा रहता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम? दिस इज थिनर इन नेचर, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, कभी सुने होंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? तो ये अगर ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पूरा बॉडी से जो ब्लड आएगा कैसा आएगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और जो लेफ्ट ऑरिकल्स है उसके पास कैसा ब्लड आ रहा है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर इसके बीच में छेद, ये यानी मेम्ब्रेन सही तरीके से ना बने, तो ये होल क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये होल क्रिएट हो गया तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता हुआ रहेगा। तो इसीलिए इस बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, उस बेबी में क्या होगा, पूरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करना शुरू कर जाएगा, यानी मिक्स्ड ब्लड जाएगा। और मिक्स्ड ब्लड जाएगा तो उसका जो कलर रहेगा हल्का सा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, और इसलिए उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। बाद में जाकर उसको, इस होल को ऑपरेशन के थ्रू इसको फिलअप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाता है, होल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर लिए कि जो राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम्स प्रेजेंट है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दिस इज थिनर इन नेचर, ठीक है। वहीं पर वेंट्रिकल्स का काम क्या है? वेंट्रिकल्स को पंप करना है। ये राइट वेंट्रिकल्स पंप कहां पर करेगा? पंप टू, यानी इसको सेंड करेगा, यहां पर से जो ब्लड है कहां पर सेंड करेगा? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए कहां जाएगा? तो लंग्स में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल्स है, दिस विल पंप ब्लड टू लंग्स, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये बॉडी को, ब्लड को पंप करेगा कहां? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पंप टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, आपका हार्ट है कहाँ? सीने के अंदर में, ये थोरैकिक रीजन में, और आपका इमेजिन करिए पैर के अंगूठा जो टोज है वहां तक ब्लड पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? आप बोलिएगा सर ग्रेविटी काम कर जाएगा, काम कर गया, मूव कर जाएगा। अच्छा ठीक है, वो भी बात मान लिए। ये जो आपका आई है और आई के ऊपर जो ब्रेन है, वहां पर आपको ब्लड कैसे पहुंचना है? उसके लिए तो ज्यादा अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहा है, तो उसके लिए तो ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा अच्छे तरीके से पंप करना चाहिए। तो इसलिए इसका जो वॉल रहता है ये मोटा रहेगा, ये सब इसका वॉल क्या रहेगा? मोटा रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये बोल रहे हैं
ये जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और पूरा बॉडी का, ये जो पूरा बॉडी है वेंट्रिकल्स का, दैट इज थिक। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल क्या हो गया, थिक मस्कुलर वॉल है। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना है और साथ साथ लंग्स तक पहुंचाना फॉर दी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसलिए ये हम लोग दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कशन किए, बट यहाँ पर दो ही पॉइंट्स को डिस्कशन करने के लिए हमको इतना चीज बताना पड़ गया। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्या कि ये हार्ट में किस टाइप का ब्लड वेसल्स इंटर करेगा और एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स इन दी हार्ट, ठीक है। टॉपिक क्या आ गया, ब्लड वेसल्स इन हार्ट। एक एक चीज को हम सोच रहे हैं कि आप लोग बड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए कि ताकि जिनको, देखिए जिनको अगर नीट की तैयारी करना है तब उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये समझना आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत इजी हो जाएगा, यानी 12th में। लेकिन जिनको नहीं करना है, अगर ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप अगर आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा नंबर गेन करेंगे। सिंपली अगर कोई बात लिख दिया कि ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, उसके बीच के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं पता है नहीं, उसमें वाल्व कैसा है पता है नहीं, ब्लड इधर से आएगा इधर चला जाएगा, बस बात खत्म। और अगर वहीं पर आप स्पेसिफाई करके चीजों को लिखिएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका, हर एक चीज को स्पेसिफिक तरीके से बात बताया है। अच्छा, बायोलॉजी में एक और बात बता देते हैं कि जब भी आप पेपर दीजिएगा बिना डायग्राम, अगर जहां पूछ रहा है डायग्राम तो वहां तो बनाइएगा ही, लेकिन जहां नहीं पूछ रहा है वहां भी अगर आपको लगता है कि डायग्राम दे देंगे तो डायग्राम से डिपिक्ट करिएगा, ज्यादा नंबर गेन करिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स इन हार्ट। तो पहला ब्लड वेसल्स की बात करेंगे वो जो हार्ट में इंटर कर रहा है, यानी ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंटरिंग इन हार्ट, ठीक है, हार्ट में जो अंदर के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या बात बोल रहे थे कि राइट ऑरिकल्स में 2 लार्ज वेसल्स आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, तो एक एंटीरियर वेना कैवा और दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कैवा बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, या फिर हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा या सुपीरियर वेना कैवा। तो हम लोग क्या पहले बात बोले कि एंटरिंग एंटरिंग इनटू द हार्ट, तो 2 लार्ज वेसल्स हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल्स रिसीव 2 लार्ज वेसल्स, लार्ज वेसल्स कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं एंटीरियर एंटीरियर वेना कैवा और दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एंटीरियर का मतलब आगे ऊपर, हम लोग का ऊपर क्या है, हार्ट के ऊपर क्या है, हार्ट का ऊपर हमारा सर है, हेड है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एंटीरियर को और क्या बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। उसी तरीके से पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब अब हार्ट के नीचे वाला पीछे वाला पार्ट को, तो इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर। हो सकता है कहीं कहीं पर डायग्राम में आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर ना देकर सिंपली बात लिख दे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, आप बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है नहीं समझ में आया, ये हार्ट है, ये हार्ट है,
ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग ऑरिकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर से दो ब्लड वेसल्स इस तरीके से इंटर करेगा, एक ऊपर वाले तरफ से आ रहा है, एक नीचे वाले तरफ से आ रहा है। ऊपर वाले का क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर। एंटीरियर वाले को क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर। तो ये हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और नीचे से आ रहा है, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो मतलब क्या हुआ? एंटीरियर ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंटीरियर और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? एंटीरियर का मतलब क्या बोले हम कि इंटीरियर या एंटीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑरिकल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑरिकल्स की बात कर रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स की बात करें तो इसके पास क्या आएगा? इसके ये लेफ्ट राइट ऑरिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या आएगा? इसके पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। तो ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंटीरियर, एंटीरियर और सिंपल भाषा में समझ लीजिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। और अपर पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा, किससे अपर पार्ट समझेंगे? गला से ऊपर की, आंख से ऊपर की, हेड के ऊपर? नहीं, हार्ट के ऊपर। हमारा हार्ट है उसके ऊपर और हार्ट के नीचे, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कौन कौन सा हो गया? हेड हो गया, चेस्ट हो गया, आर्म्स हो गया। तो यहां से इन सभी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटीरियर वेना केवा लाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये जो पोस्टीरियर वेना केवा है, ये कहां से ब्लड लेकर आएगा? तो ये ब्लड लेकर आएगा कहां से? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो दिस विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम posterior, posterior और क्या बोल रहे हैं? लोअर रीजन ऑफ द बॉडी, दैट इज कौन कौन सा इंक्लूड कर रहा है? तो दिस इंक्लूड्स द एबडोमिनल या एबडोमेन, पेट वाला हिस्सा हो गया, और लेग्स, ठीक है। तो यहां से लेके आ गया। राइट ऑरिकल्स की बात किए हैं, अभी लेफ्ट ऑरिकल्स की बात करिए। ये अब आ गया लेफ्ट ऑरिकल्स। तो लेफ्ट ऑरिकल्स का काम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल्स रिसीव करेगा चार पल्मोनरी वेंट्स। क्या चीज रिसीव करेगा? लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स रिसीव फोर, रिसीव फोर पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। अब देखिए ये एक्सेप्शन केस में, वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट यहां पर क्या आ गया टर्म? पल्मोनरी टर्म आ गया है, ये एक्सेप्शन केस में है। तो ये क्या काम करेगा? लेफ्ट ऑरिकल्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा कहां से? लंग्स से। तो वहां से जो लंग्स से जो ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स के पास जो वेसल्स लेकर आ रहा है, उस वेसल्स को हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो आप बोलिए कि चार पल्मोनरी वेन्स कहां से आएगा? तो दो लेफ्ट लंग्स से, दो राइट लंग्स से, यानी दोनों लंग्स से दो दो वेसल्स निकलेंगे, ठीक है। तो दिस रिसीव्स द फोर पल्मोनरी वेन्स एंड दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो इस तरीके से देखें, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हार्ट में इंटर किया, अब एग्जिट करेगा, मतलब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। तो जो अब दूसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ब्लड वेसल जो छोड़ रहा है, जो लीव कर रहा है हार्ट को, जो हार्ट से निकल रहा है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट्स क्या बात करेंगे? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट,
अब हम लोग बात करते हैं पहला इसमें पॉइंट्स क्या बात करेंगे, तो जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से ही सारा ब्लड वेसल्स एग्जिट हो रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरीज। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं पहले यहाँ पर कि वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आर हैविंग टू लार्ज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सा, तो पहला हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ पर टर्म आ गया पल्मोनरी, पल्मोनरी में एक्सेप्शन केस में हम लोग याद करते हैं आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी डी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट यहाँ पर आ गया पल्मोनरी तो ये ऑक्सीजनेटेड ना कैरी करके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से याद रखिए क्या चीज, हार्ट, और हार्ट में हम लोग अब वेंट्रिकल्स की बात करें, ये ऑरिकल्स हो गया, नीचे में हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर कैरी करे तो कौन भेजेगा, तो जाहिर सी बात है राइट वेंट्रिकल्स भेजेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि दिस पल्मोनरी आर्टरी एराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, और कैरी क्या करेगा, दिस विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा, तो लंग्स तक लेके जाएगा, किस लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा वेसल्स इससे निकलेगा वो कहां से निकलेगा, तो आयोटा निकलता है, और आयोटा का काम क्या है, वो पूरे ब्लड को मोटा सा, एक बहुत मोटा सा ऊपर में एक वेसल्स जो दिखता है दैट इज कॉल्ड द आयोटा, और वो आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और ये जो राइट साइड वाला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इधर डीऑक्सीजनेटेड और इधर लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स का काम क्या है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई कर देगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयोटा एराइसेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा की बात कर रहे हैं, क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज हुआ, इसका काम क्या है, तो दिस विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। लेकिन हार्ट को भी तो अपना काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो जो हार्ट को कैपिलरी आर्टरीज जो ब्लड कैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो एक टॉपिक और क्या है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी हार्ट, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज का क्या बोल रहे हैं, अब ये दो आर्टरीज प्रेजेंट रहेगा, कौन सा, राइट और लेफ्ट में दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो दिस कोरोनरी आर्टरीज एराइसेस arises from aorta, ये aorta से ही होता है, ठीक है। this supply blood to heart muscles, ये heart के muscles को supply करता है, तभी तो हमारा heart भी पूरी तरीके से काम करेगा। और अगर इसमें कोई blockage होता है, if any blockage in coronary artery, तब क्या होगा, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, और ब्लॉक होना शुरू कर देगा तो हम लोग का हार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो हम लोग जिसको बोलते हैं कॉमनली हार्ट अटैक, उसको बायोलॉजी के टर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ एनी ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज
leading to myocardial infarction, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं और कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेसल्स के बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग बात करेंगे कि वाल्व, हार्ट में वाल्व का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाल्व। क्योंकि अब अगर ऑरिकल से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल्स में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग वाल्व की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे।